हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज किस वीडियो में पढ़ेंगे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, विंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, विंड रेन प्रॉब्लम, हॉरिजॉन्टल रोड पे चलें तो क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे, एक्सेलेटेड मोशन, बहुत सारे सबके मोशन हो जाए, हवा भी चले, छाता पकड़ने वाला आदमी भी चले, तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन है ये टू डायमेंशन मोशन में और बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चों को। तो कारण इसका यह है कि हम अलग अलग मेथड अडॉप्ट करते हैं, हिट एंड ट्रायल बेसिस हो जाता है, कभी ये कंसेप्ट लगा लिया, कभी ये लगा लिया, कभी ट्री को लगाते हैं, कभी वेक्टर लगाते हैं, कभी रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं, कभी कोसाइन फॉर्मूला मैथमेटिकल, तो कंफ्यूजन रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक मेथड से ही सारे क्वेश्चन करने के तरीके सिखाऊंगा, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन उसे करने से पहले थोड़ा सा हम वार्म अप करते हैं अपने आप को कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लास से पहले। जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, आपको जोड़ने हैं, और ए ऐसे है और बी ऐसे है, तो क्या रूल होता है बच्चों जोड़ने का कि पहले ए बनाइए कोई एक वेक्टर, फिर उसके हेड से दूसरे की टेल शुरू करिए और रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, तो ए प्लस बी होगा। बी प्लस ए भी बना सकते हो, पहले बी बनाया आपने, फिर ए बनाया और फिर ये बी प्लस ए, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, बी प्लस ए और ए प्लस बी बराबर है, सेम बात है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन का रूल होता है बच्चों, आपको पता होगा वैसे कि ए माइनस बी करना है मान लो, तो हमने एडिशन का रूल पढ़ रखा है, तो हम क्या करते हैं ए में माइनस बी को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर में से बी को, तो आप क्या करो पहले ए बनाओ, फिर रूल के अकॉर्डिंग अगर जोड़ना होता तो ऐसे बनाते बी को, अब इसका उल्टा कर दो, इसको बिल्कुल अपोजिट, और अब जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें क्या करना होता है वी ए माइनस वी बी, तो हमें इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे अगर एक वेक्टर ये जा रहा है इसे, ठीक है, मुझे इसको एक्स और वाई में रिजोल्व करना है, तो ये आई कैप होता है, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, ठीक है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में ए कॉस थीटा, ये कितना होगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो सोचो ए वेक्टर कितना होगा, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, सोचो ए का इधर कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा है, इस तरीके से है ना। और अगर आपको ये एंगल पता करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने लिख दिया, इसमें अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, तो टेन थीटा कोफिशियंट ऑफ जे दैट इज ए टू बाय ए वन, पढ़ा है ना आप लोगों ने कि जैसे ये ए है ये ए टू होगा ये ए वन होगा, जैसा रूल अभी देखा आपने भाई, ये ए वन इस डायरेक्शन में आई कैप में और ए टू जे कैप में। जैसे मैं आपसे अगर छोटी छोटी बातें पूछूं कि मान लो एक वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है ए आई कैप माइनस बी जे कैप, तो उसकी डायरेक्शन क्या रही होगी, इसका मतलब वो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा वेक्टर बताओ, वो इधर नहीं रहा होगा भाई, जे कैप माइनस इधर होता है और आई कैप इधर, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर माइनस आई कैप है, माइनस ए है और बी है, से कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा, यानी दे देखा दोनों नेगेटिव है यार, तो दोनों नेगेटिव तो इधर होते हैं, ये माइनस जे माइनस आई, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि यार ये एंगल बता दो मुझे, तो आप इस बात को देखो जे में जो मल्टीप्लायर है वो बी है, तो यानी कि ये लेंथ बी है, और आई में ए है, तो टेन थीटा कितना आ गया बी बाय ए, अगर आप इसे ऐसे बढ़ा दो तो ये थीटा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना एंगल है, और ये नेगेटिव से है, पॉजिटिव से देखना हो तो उसमें 180 जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कोई भी वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ यार वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, इसको बताओ कैसे बनेगा, तो आप देखो यार ये आई कैप तो इधर जाए, यानी कि थ्री तो इधर होगा और टू इधर होगा, ठीक है, तभी तो ये माइनस वाला हुआ। मैं आपसे कहूँ यार इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो वेक्टर आर मान है ये थ्री हुआ, ये एंगल बताना आपको थ्री बाई टू, लेकिन ये कौन से एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या करो पाई माइनस थीटा कर दो। तो अगर इतनी बात आपको पता है तो आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। अब कंसेप्ट, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि रेन इज वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल बारिश ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधे गिर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, सडनली विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ, पहले नहीं थी अब अचानक हवा चलना शुरू हुई 2 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर बारिश गिर रही है और हवा चल रही है ईस्ट की तरफ, तो बारिश को थोड़ा तिरछा कर देगी, ऐसे आना शुरू हो जाएगी,
तो छाते की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में रखना है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा होगा ये, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ रेन, ठीक है, ये बात बतानी है, डायरेक्शन वगैरह सब। तो देखो हमने क्या काम किया, हमें पता है ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर, अपना साइन रूल बनाया कि यार ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी बच्चों, बताओ वी आर कितना होगा, रेन की वेलोसिटी है कितनी स्पीड से ऊपर से आ रही है नीचे, 4 मीटर से, 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 4 × -j कैप, क्लियर है बच्चों, मतलब ये माइनस जे कैप डायरेक्शन है, नीचे जा रहा है। अगर वेलोसिटी ऑफ हम किसकी देखें, वेलोसिटी मैन की, सॉरी विंड की, तो विंड कैसे जा रही है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी होगी, 2i कैप, ऐसे, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। आप नई रिजल्टेंट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो आप भाई, अब तो नई वेलोसिटी कुछ और होगी ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो। ध्यान दो, जब भी कोई किसी क्वांटिटी की वेलोसिटी होती है, या तो बोलेगा इसके रेस्पेक्ट में बताओ, अगर नहीं बोला ना किसी के रेस्पेक्ट में, रिजल्टेंट पूछ रहा है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो वी आर प्लस वी डब्ल्यू, तो रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वी आर कितना है, 4 − j कैप, 2i कैप, ठीक है। अब ये आ गया, देखो बच्चों अब इधर जगह कम है, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, -2 4² +2² कितना हो जाएगा, 16 4 कितना हो गया, ये √20, क्लियर है, ये वेलोसिटी आ गई। अब डायरेक्शन देखनी हो तो देखो बच्चों एंगल, अगर वैसे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रिजल्टेंट देख रहे हो आप, इन दो वेक्टर को जोड़ोगे, तो वेक्टर को अगर रूल के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए, वी आर ऐसे है, ठीक है नहीं, इधर की तरफ, और वी डब्ल्यू इधर है, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा नहीं, ठीक है, मानते बच्चों, होगा नहीं ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार थीटा पता करना है ये, तो यहां ट्रेंगल से चाहे तो आप इससे देख सकते हो, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, वी आर 4, और ये कितनी होगी 2, तो 10 थीटा, बताओ इस ट्रेंगल में कितना आ रहा है, 4/2 यानी कि 2, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 आ गया। तो यानी कि छाता जो है वो छाता वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, इधर वेस्ट से इस एंगल पे रखा जाएगा, और अगर ईस्ट से पूछ ले, वेस्ट से जैसे छाता ऐसे है तो इधर वेस्ट है ना, तो वेस्ट से, वेस्ट के लॉन्ग रखेंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीट एंगल पे, और अगर ईस्ट से पूछे ईस्ट के एंगल, तो कितना हो जाएगा, 180 − थीटा, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ है, और अगर ईस्ट से एंगल पूछ रहा है तो 180 − थीटा, क्लियर है बच्चों। अच्छा इसमें एक तरीका ये भी था कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जो एंगल होगा, यहीं पे हम समझने की कोशिश करें, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आ रही है, देखो वही आ रही है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो यहां से एंगल थीटा पता करना चाहते हो, तो ये कोफिशियंट ऑफ ये रहा जे कैप, और ये 4 है, और ये कोफिशियंट ऑफ x 2, जैसे भी सिखाया था ना वो, वहां से वेक्टर के फाइंड करना, ये तो मैंने ट्रेंगल पहले ही बना लिया, अगर कोफिशियंट के अकॉर्डिंग भी पता करोगे तो वहां माइनस लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड ले लोगे, ये 4 ये 2, डायरेक्शन तो खुद ही समझ में आ रही है ना, इधर की तरफ है ये, तो उससे भी 10 थीटा कितना आएगा, सोचो 4/2, तो 4/2 यानी कि 2, और यही एंगल किधर से हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया थीटा, तो बारिश की वेलोसिटी ऐसे समझ लो। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कितने डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि विंड वर्टिकल गिर रही थी और हवा सीधे चल रही थी, ओ सॉरी रेन वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही थी और हवा हॉरिजॉन्टल चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन देखो क्या चेंज आया, ये देखना है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सेम वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में थी। अ मैन स्टार्ट मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड,
एक आदमी हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ दौड़ना शुरू करता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन एंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो, अगर आपने नहीं देखा ध्यान से उसको देखो, और अब इस क्वेश्चन को देखो क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में। एक बात बताओ, बहुत सारी बातें आपको ध्यान से सोचनी पड़ेंगी एक एक करके। अगर मान लो आप छाता की डायरेक्शन वही रखते हो जो आपको बारिश जैसे आती दिखती है, दूसरे की गारंटी नहीं, आप जैसे देख रहे हो यार मुझे बारिश ऊपर से आती दिख रही है तो छाता ऐसे रखोगे, आपको बारिश ऐसे ऐसे आती दिख रही है तो आप छाता ऐसे रखोगे, इसका मतलब जैसी आपको बारिश आती दिखाई देगी वैसे छाता रखोगे, दूसरे ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ये जो आदमी है ये अपने रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखने जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में था रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्ड, आज है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन पूछ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। एक और बात, आप बारिश हो रही है और आपने दौड़ना शुरू कर दिया, आप दौड़ो रुको बारिश थोड़े, इस पर फर्क पड़ता है इस बात से, लेकिन हवा चलने से फर्क पड़ता था बारिश पे, है ना। तो बारिश अगर रेन जो है अगर डाउनवर्ड आ रही है और आदमी दौड़ना शुरू करेगा तो वो तो डाउनवर्ड ही आएगी, इंसान को जो ऑब्जर्वर है उसको कुछ अलग एंगल पे दिख सकती है। तो इस क्वेश्चन में और उसमें ये अंतर है कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये, और वो था रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन कहूँ वी आर वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ मैन कहूँ वी एम वेक्टर, तो हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है वी आर माइनस वी एम। ठीक है, यानी कि आपको दो वेक्टर क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप आई जे के रूल से करते हैं तो ये आई कैप और ये माइनस आई कैप और ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर वेक्टर कितना होगा, अभी भी वही है 4 × −j कैप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन 2 × i कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 − j कैप 4 − 2 i कैप, समझ रहे बच्चों, ऐसे लिखेंगे। तो देखो अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कहूं तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ −4 का स्क्वायर + −2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 16 + 4 √20। ठीक है, 4 × 16 2 × 4 √20 आ गया, लेकिन डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखो आप सोचो x भी नेगेटिव है इसका और y भी नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आएगी, समझाया, सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट कैसे आएगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसा कैसे भाई, तो देखो चेक करके देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। ठीक है, और मैन ऐसे जा रहे हैं, आपको क्या करना है घटाना है इसको, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा नीचे की तरफ और वेलोसिटी ऑफ मैन हम ऐसे बनाते हैं लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आएगी, तो बारिश ऐसे आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यहां से अगर मैं ऐसे करूं तो छाता ऐसे रखा जाएगा एंगल थीटा पे, और ये थीटा कैलकुलेट करना है तो देखो यहां दो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी के, ये कितना है बताओ बच्चों 4 है ना, और ये कितना है 2 है, तो इसको यहां लिख दो 4 10 थीटा कितना आ जाएगा 4/2 यानी के 2, तो थीटा इक्वल टू 10 inverse 2। तो इस केस में बारिश ऐसे आती हुई दिख रही है, ये पक्की बात है, जैसे बारिश ऐसे गिर रही है और तुम बाइक चला रहे हो पैदल जा रहे हो तो बारिश ऐसे तिरछी आती हुई दिखती है, तो छाता ऐसे रखेगा ना, तो इस केस में छाता का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, लेकिन किसके साथ होगा, ईस्ट के साथ। और पहले क्या था पिछले क्वेश्चन में, वो छाते की डायरेक्शन वेस्ट से आई थी क्योंकि बारिश ऐसे हो रही है और हवा ऐसे चल रही है, तो उस केस में क्या होगा रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या है कि बारिश ऐसे गिर रही थी और आप ऐसे सीधे जा रहे थे तो इस एंगल पे बारिश आती हुई दिखाई देगी आपको रेन। ठीक है, इस एंगल पे, तो ये अंतर आया। तो पहले तो हमें ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर कभी तो जोड़ देते हैं कभी घटा देते हैं, तो अंतर समझना है क्वेश्चन में, उसमें रिजल्टेंट पूछा था और यहां क्या पूछा है रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करना था। हाँ, वो अलग बात है कि मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कभी जोड़ते हैं घटाते हैं आंसर सेम आ जाता है, इस केस में तो आंसर इसलिए सेम आया है कि वेक्टर लिखा है ना वो, तो मैग्नीट्यूड तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सेम ही आता है लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि अ स्टेशनरी मैन होल्डिंग एन अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, ही थ्रो द अम्ब्रेला
एंड स्टार्ट रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप हिट हिम वर्टिकली, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। देखो बच्चों, मतलब ऐसा है कि अगर आदमी रुका हुआ है और बारिश से बचना चाहता है, तो बारिश से बचने के लिए वो एंगल रखता है, होल्ड करता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखा। यहाँ उसने एंगल पहले टिल्ट कर रखा है, इसका मतलब बारिश जो है वो सीधी नहीं आ रही है, वो किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करूँ तो रेन कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, और वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 30, तो यहाँ पर भी 30 होगा ना भाई। अगर ये 30 है तो ये भी 30, ठीक है। हमने पढ़ा है ये क्या है माइनस आई कैप और ये क्या है माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम, है ना, अभी लिखेंगे। फिर उसने बोला कि उस आदमी ने छाता फेंक दिया, अब वो बारिश को एंजॉय करना चाह रहा है, भाग रहा है, ठीक है। अब इसमें मेंशन नहीं करा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर, तो किधर भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टल भी अंडरस्टूड है कि सड़क भी हॉरिजॉन्टल होगी, कुछ लोचा नहीं होगा। तो इसका मतलब अब वो दौड़ना शुरू करा उसने, अब उसको बारिश सीधी हाथ दिख रही है वर्टिकली, यानी कि अगर उसके हाथ में छाता भी होता तो छाता भी उसको वर्टिकली होल्ड करना होता, अगर वर्टिकली फील हो रही है तो। तो क्वेश्चन आ रहा है कि वी आर बताओ, तो बड़ा इजी से तरीके से कर सकते हो। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन पता करो पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वी आर का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वी आर कॉस 30। ये एक्चुअल में क्या है, किताबों में ना बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से कर रखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। कभी किसी मेथड का यूज़ करते हैं, कभी ट्रिग्नो का करते हैं, कभी ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, कभी लॉ ऑफ कोसाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से करो कभी गलती नहीं होगी आपके। तो देखो वी आर साइन 30, ठीक है, तो देखो वी आर साइन 30 कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में, और इधर कितना है वी आर कॉस 30 किस डायरेक्शन में, जे कैप में। अब इस आदमी ने दौड़ना शुरू करा है कितनी वेलोसिटी से, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, वी मैन, तो हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है ऐसे। देखो एक बात और है, अगर उसे दौड़ना किधर चाहिए, क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, दौड़ना उसको इधर की तरफ चाहिए या इधर की तरफ चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो बताओ अगर बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो जब ऐसे चला था तो और इंक्लाइंड हो गई थी, वर्टिकल बारिश हुई, तो इसका मतलब बारिश को इस आदमी को इस डायरेक्शन में नहीं दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, इधर, ठीक है, समझाया बच्चों। क्यों, क्योंकि जितना ये इस कंपोनेंट को कैंसिल करता जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है ना, उतना तभी उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे मिलेगी। अभी देखो मैं ग्राफिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन है 7, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप में। मतलब ये हमें खुद सोचना है कि यार वो किधर दौड़ रहा होगा, मतलब जैसे बारिश आ रही है उसकी तरफ भागेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती जाती है ना बारिश, उतना ही ज़्यादा उसको हॉरिजॉन्टल होती दिखाई देती है, आप समझ सकते हो। इसमें ये एरो जितना बड़ा होता जाएगा, ये एंगल, ये एरो जितना बड़ा होता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, ये एंगल बढ़ रहा हो तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसका मतलब पॉसिबल ऐसे नहीं है, इसको इधर भागना होगा दूसरी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो वी एम हो जाएगा 7 माइनस आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, घटाते हैं इसको, वी आर साइन 30 माइनस आई कैप, वी आर कॉस 30 जे कैप, माइनस वी एम दैट इज 7 माइनस आई कैप। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 7 माइनस वी आर साइन 30, है ना, 7 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है यहाँ इन टू आई कैप, और प्लस वी आर कॉस 30, ठीक है, जे कैप। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस आदमी को रेन की वेलोसिटी वर्टिकल दिख रही है तो ये कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 7 माइनस वी आर साइन 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो साइन 30 कितना होता है बच्चों, वी आर साइन 30 हो जाता है 1/2, तो वी आर कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर पर, यानी कि रेन इतनी वेलोसिटी से गिर रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं इसको ग्राफिकली, तो देखो रेन ऐसे आ रही थी, ठीक है, और ये आदमी ऐसे जा रहा था, मुझे लिखना है वी आर माइनस वी एम, मैंने तो लिखा ही नहीं था, ऐसे ही कर दिया था, वी आर माइनस वी एम, डायरेक्ट वैल्यू यूज कर ली थी ऐसे। तो देखो रूल क्या पढ़ा है, ये वी आर है इधर लिखोगे, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा करोगे तो माइनस वी एम, तो देखना रिजल्टेंट बनेगा नहीं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट, तभी तो रिजल्टेंट ऐसे आ सकता है। अगर वो इधर जा रहा होता इधर की तरफ, फिर आप उसको उल्टा करते माइनस वी एम करते, तो रिजल्टेंट तो और बारिश इस तिरछी दिखती, इसलिए उसको उल्टा आना था इधर की तरफ, ठीक है, समझ में आया। तो हमें सोचना है कि कौन सी डायरेक्शन,
तो डायरेक्शन कोई भी इससे भी ले सकते थे, लेकिन हमने चेक करी कि कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि पहले मेंशन था ईस्ट में चल रहा है या वेस्ट में, यहाँ मेंशन नहीं था। ठीक है, आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि इस क्वेश्चन में अगर मैं ये डायरेक्शन रेन की डायरेक्शन ऐसे ले लेता सर, कुछ बच्चे ऐसे भी तो लेंगे, अगर आप वीडियो पॉज करके ऐसे कर लिया आपने कि सर 30 के साथ ऐसे है, तब तो देखो अब उस केस में क्या करना था, उस केस में आपको आगे बढ़ना था, मतलब इस आदमी को आगे लेके जाना था। भाई बारिश ऐसे भी आ सकती है, उसने वर्टिकल से ऐसे बोला है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है वर्टिकल से, तो उस केस में आपने VM ऐसे मान लिया होता, तो VM का उल्टा करोगे माइनस VM, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम डाटा है बिल्कुल। ठीक है, बस सिचुएशन देखनी आपको, तो केवल ये नहीं कि बुक का एक डायग्राम देखा और उसी को रट लिया बैठ के, थोड़ा ये IJK के कंसेप्ट से सीखोगे तो 100% क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जिसमें बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और इंसान भी चल रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई। तो जैसा क्वेश्चन है कि रेन वॉज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 2 meter per second वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बारिश हो रही थी और वर्टिकली डाउनवर्ड, सेम वही डाटा ले रहा हूँ मैं ताकि पहले आपका कंसेप्ट बने। सडनली विंड स्टार्ट ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 4 meter per second, हवा चलनी शुरू हो गई ईस्ट की तरफ कितनी स्पीड से, 4 meter per second से। नाउ अ पर्सन स्टार्ट मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 4 meter per second, तो हवा चली तो बारिश किसी और एंगल पे आ जाएगी। अब इंसान दौड़ना शुरू कर रहा है, अब उसकी डायरेक्शन बतानी है छाते की और रिजल्टेंट वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। ठीक है, अम्ब्रेला मैन के रेस्पेक्ट में, तो फिर वही हम अपना रूल, ये IJK की वजह से अगर तरीके से करोगे ना तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे कम, बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो ऐसे तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, 2 minus J cap। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, 4 I cap। ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब एक बात समझो भाई, सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट, अब पहले इंसान को रोक दिया पहले, और ये सोचो कि पहले बारिश ऐसे गिर रही थी, अब वो चला, सॉरी हवा चली, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, पहले वो ढूंढेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले भी की थी हमने, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या कर देंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट रिलेटिव नहीं, रिजल्टेंट लेना है तो जुड़ेगा, और कितना होगा, -2 J cap + 4 I cap, ये आ गया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बच्चों, 4 meter per second, और किधर, ईस्ट की तरफ। ठीक है, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका मतलब हम ये करेंगे ना, देखो कितना इजी हो जाएगा अगर आप इस मेथड से करते हैं, तो आप रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 2 minus J cap + 4 I cap - 4 I cap। ठीक है, कट गया ये, क्या बचा, 2 minus J cap है, ये क्या हुआ, ये हुआ कि बिल्कुल मैन के रेस्पेक्ट में जो रेन है वो बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड गिरेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितना इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उतना ही इंसान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बारिश ऐसे गिरती हुई दिखाई देगी। ये डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, बिल्कुल ऐसे डाउनवर्ड, इसका मतलब बारिश ऐसे आ रही है तो छाता कैसे रखा जाएगा ऐसे, तो एंगल कितना है 90। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई 2 minus J cap, और इस ये J cap में है केवल डाउनवर्ड, तो छाते को कितने एंगल पे रखना है, वर्टिकल, यानी कि इस आदमी को बारिश ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वो अलग बात है कि बारिश जो है वो ऐसे गिर रही है, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये मूव कर रहा है ना इंसान, इसलिए बारिश इसको डाउनवर्ड आती दिख रही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म से, मतलब सॉरी डायग्राम में देखना चाहते हो ग्राफिकली, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन ये थी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड ये थी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आई। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और अब ये क्या हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दी इसमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितनी वेलोसिटी ऑफ विंड थी उतनी ही वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन की भी वेलोसिटी उतनी है, तो जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गए ना, तो कट के रिजल्टेंट वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं NCERT से। क्वेश्चन है, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन
इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मेस्ट ऑफ, सॉरी मेस्ट ऑफ बोट। ठीक है, मेस्ट होता है बच्चों, जैसे ये बोट है, यहाँ एक ऐसे पोल टाइप पिलर टाइप बना होता है, ठीक है, इसमें कैनवास वगैरह भी लगा होता है, और ये जो यहाँ फ्लैग लगा है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो एक कॉमन सी बात है, अगर मान लो आपके हाथ में एक छोटा झंडा है, तो जिधर से हवा चल रही होगी, आपको जिधर से हवा आती फील होगी, उधर की तरफ ही जाएगा ना ये झंडा भी, है ना। पेड़ पौधों की पत्तियाँ हवा के रुख के अकॉर्डिंग, कहावत भी है कि हवा के रुख के साथ बदलती हैं सारी बातें, तो वही बात है। अब अभी ये इसने हिंट दिया कि जो फ्लैग है वो फ्लैग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना। वो कैसे हमें पता लगा, क्योंकि विंड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, विंड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। अब बोट ने चलना शुरू करा, अच्छा नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये एंगल कितना हुआ 45, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 72, तो क्यों ना पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो वेलोसिटी ऑफ विंड है 72 cos 45 आई कैप, 72 sin 45 जे कैप, ये आपको समझ आना चाहिए। 72 को इधर रिजोल्व किया आई कैप डायरेक्शन में, और इधर जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब देखो वेलोसिटी ऑफ, अब बोला कि बोट चलना शुरू कर देती है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अगर बोट नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है तो वेलोसिटी ऑफ नॉर्थ बोट कितनी होगी बच्चों, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें कितनी दे रखी है 51 इंटू जे कैप, ठीक है, यूनिट आप समझोगे किलोमीटर पर आवर में है ये, ठीक है। तो देखो अब सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व होगी, मतलब जो बोट के ऊपर बैठे हुए आदमी को ऑब्जर्व होगी, विंड जिधर से आती हुई ऑब्जर्व होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा फ्लैग रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ऐसे लिखेंगे बच्चों। वेलोसिटी ऑफ विंड ये है 72 cos 45 को बच्चों रूट टू लिख सकते हैं, अच्छा प्लस 72 बाय रूट टू इंटू जे कैप, और माइनस कितना 51 जे कैप, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो ये बन जाएगा बच्चों 72 बाय रूट टू आई कैप प्लस 72 बाय रूट टू माइनस 51 जे कैप, समझ रहे हो। अच्छा मैंने x एक्सिस से एंगल फाइंड करने का तरीका बता रखा है कि अगर आपको कभी भी एंगल पता करना है टेन थीटा, तो कॉफिशियंट ऑफ जे कैप, भाई आपको सबसे पहले डायरेक्शन तो देखनी है, क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन मैस्ट ऑफ द बोट, तो बस सीधा क्या करना है आपको, इसका एंगल पता कर लो, टेन थीटा रूट टू माइनस 51 अपॉन 72 बाय रूट टू, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसकी कैलकुलेशन, देखो रूट टू को मैं नियरली कितना लिखते हैं 1.41 होता है, 1.4 लिख लिया, तो 1.4 कितना हुआ 14 बाय 10, तो 7 बाय 5, इजी कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, इसके लिए कैलकुलेटर ढूंढते हैं, तो ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है। तो देखो 72 और रूट टू की जगह लिखोगे आप 7 बाय 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, माइनस 51 अपॉन 72 और ये हो जाएगा 7 बाय 5, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो अगर मैं यहां क्या करता हूं, इसको हटा दूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो 72 5 जा 5 टू जा 10 35 360 7, ठीक है बच्चों 7 वन जा 7 हाँ, और यहां भी क्या बनेगा 360, ठीक है 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो कितना बना ये, अगर यहाँ चले जगह बहुत कम है भाई, स्पेस बचाना है हमें, देखो इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 360, ठीक है 3 अपॉन 360, और 3 अपॉन 360 लगभग क्या होगा भाई, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बचा लूँ, अब इस पर लिखता हूँ 10 थीटा आ रहा है 3 बाय 360, चलो मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ 1 बाय 20 ना, तो नियरली ये 0.01 के आसपास हुआ ना, इससे भी अगली डिजिट होगी 0.5 के आसपास होगा, 0.05,
तो इतना छोटा एंगल है तो थीटा नियरली 0 रेडियन के पास पास हुआ ना, 0 रेडियन, तो कितना एंगल बन रहा है लगभग? ये तो लगभग एंगल 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा एक्स क्या है इस डायरेक्शन में, ईस्ट में है, तो एक्स एक्सिस के लोंग आ रही है, यानी कि जो फ्लैग होगा वो लगभग ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है, यहाँ से एंगल से पता लगा, ठीक है, बिल्कुल ईस्ट ही बोलते हैं, इसमें एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा होगा। और अगर आप इसे सॉल्व करें, अगर इसे ग्राफिकली देखें, तो देखो बच्चों ये वेलोसिटी है, आपने करा है इनको सब्ट्रैक्ट, है ना, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वी बी है ना यहाँ, तो यहाँ उल्टा करेंगे ना इसको, माइनस वी बी, तो रिजल्टेंट यहाँ जानी थी, ये भाई रूल बताया था ना, वेक्टर को यहाँ टेल लाके उल्टा कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोट ऐसे, और ये थीटा था, तो ये थीटा लगभग क्या है, 0 के आसपास है, क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ग्राफिकली समझ लो, अगर आप आईजी की पे कमांड है आपकी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट द ड्रॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड। अब देखो पहला तो क्वेश्चन ये है, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल, कि अगर मान लो जब ये मैन दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आर से, तब इसको रेन वर्टिकली आती फील हो रही है, तो एक बात तो सीधी है कि जब हम ये आदमी अगर मान लो इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर रेन ऐसे आ रही होती तो और ज्यादा टिल्ट होती दिखाई देगी, इसका मतलब रेन पीछे से आ रही है, ठीक है, मतलब रेन जो है ना एक्चुअल में वो ऐसे कुछ होगी, जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब देखो और मैन ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, माइनस भी है, तो ये एंगल इसका मैंने मान लिया वर्टिकल से अल्फा मान लिया, ठीक है बच्चों, तो देखो इसे आई कैप मान लेंगे, इसे माइनस आई कैप, और ये नीचे की तरफ जो होती है माइनस जे कैप, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन लिख लेते हैं पहले एक्चुअल जो है, तो वी आर कॉस अल्फा, ठीक है, मतलब ये वर्टिकल से एंगल है, देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो वी आर कॉस अल्फा किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप में, प्लस वी आर साइन अल्फा कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में, ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं बच्चों, वो कितना है, 8 किलोमीटर पर आर, ठीक है, तो 8 × i कैप इस डायरेक्शन में है ना भाई, हम तो पहले एक्चुअल को लिखते हैं ना, और फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखी जाएगी, वी आर माइनस वी आर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां लिखते हैं, तो वी आर हो गया वी आर कॉस एल्फा माइनस जे कैप प्लस वी आर साइन एल्फा आई कैप, माइनस वी एम कितना हो जाएगा, 8 i कैप, क्लियर है। देखो बच्चों ये हो गया वी आर कॉस एल्फा माइनस जे बाहर लिख लेते हैं, प्लस इनको देखो वी आर साइन एल्फा माइनस 8 i कैप, ओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना है इसको, हाँ लिखा भी हमने। अब देखो अब उसने बोला कि जब ये इस हालात में चल रहा है, उसको बारिश ऐसे आती दिख रही है, बारिश बिल्कुल ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी का, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस मैन के लिए, इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, वाई कंपोनेंट होगा, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है, तो अगर रेन वर्टिकली फील हो रही है इसको, तो वाई कंपोनेंट सॉरी एक्स कंपोनेंट 0 होगा, एज वी आर साइन अल्फा माइनस 8 = 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहां से वी आर साइन अल्फा आ गया 8, क्लियर है बच्चों, ये बात पता लग गई हमें, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब यहां मिटा लेते हैं इसको, इस आदमी ने अपनी स्पीड बदल दी, और कितनी बदल ली, 8 से 12 कर ली, और बोला है कि अब उसको बारिश जो है 30 डिग्री एंगल पे दिख रही है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बन गया उसका वर्टिकल से, तो एक बात है अगर स्पीड बढ़ाता है तो बारिश और तिरछा दिखती है, तो इसका मतलब अब जो वी एम डैश होगा वैसे कुछ होगा और बारिश ऐसे आएगी 30 डिग्री पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, और ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब नहीं एम डैश लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है।
तो हमें ज्यादा एंगल से अगर हमें यहां से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम डैश कितनी होगी बच्चों, 12 आई कैप, ठीक है। फिर ऐसे वी आर एम, और ये हो जाएगा बच्चों देखो वी आर एम, वी आर माइनस एम डैश लिख देते हैं, वी एम डैश ऐसे, तो वी आर कॉस अल्फा माइनस जे कैप प्लस वी आर साइन अल्फा आई कैप, और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कैलकुलेशन में, माइनस 12 आई कैप, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा वी आर कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस जे कैप ऐसे, प्लस वी आर साइन अल्फा माइनस 12 आई कैप, ठीक है। देखो बच्चों ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसका एक्स कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, और ये कंपोनेंट कौन सा है इसका वाई कंपोनेंट ये, ठीक है। माइनस माइनस होते हैं कंफ्यूज करते हैं, आप सीधे ये बनाओ, ये ट्रायंगल है, इसकी लेंथ जो होगी इस वाले एरो की वो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये किसका मैग्नीट्यूड होगा इस वाली लेंथ का, ठीक है। अब देखो अगर मैं टेन थीटा लिख लूँ यहाँ से, तो टेन थीटा इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड वी आर साइन अल्फा माइनस 12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड वी आर कॉस अल्फा, ठीक है। और टेन थीटा कितना है बच्चों, 30, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3। और देखो वी आर साइन अल्फा क्या था, 8 था ना, तो 8 मैंने यहाँ रख लिया, तो 8 माइनस 12 वी आर कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 4, तो वी आर कॉस अल्फा इक्वल टू 4 रूट 3, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको देखो आपको डायरेक्शन पता करनी है और स्पीड पता करनी है, तो देखो साइन और कॉस का एक ही लाज होता है कि इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 × √3 3 + 64 48 + 64, कितना होता है बच्चों, 2 8 4 12, हाँ स्पीड आ गई बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब सॉरी रेन की जो स्पीड है नेट ये वाली, इसका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, वी आर इक्वल टू 1 1 12, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, 4 √7 भी बन सकता है ये, ठीक है, 16 कॉमन ले लो बाहर रूट से, तो ये स्पीड आ गई। और डायरेक्शन क्या बता सकते हो, यहाँ से एंगल पता कर सकते हो ये, ठीक है, सॉरी ये एंगल, अब ये एंगल बड़ा इजी हो सकता है सॉल्व, ये ट्रायंगल जो इसका कंपोनेंट है वाई और एक्स उनको डिवाइड कर दो एंगल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आपको आई जे के कंपोनेंट अगर सही से समझ में आते हैं तो फिर क्वेश्चन कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं होता, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा हो जाए कि जो अम्ब्रेला मैन है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलना शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल ये कोई बाइक है, ठीक है, और इस पे ये जा रहा है, ठीक है, तो मान लो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ वी बी और रेन ऐसे आ रही है, तो पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही है, इस केस में भी पूछ रहा है छाते की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी क्या होगी। तो देखो जैसे आप ये एंगल थीटा है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वी बी का वी बी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट जाएगा वी बी साइन थीटा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बाइक पता करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, कोमा जी लगा दो ऐसे, मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो वी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। देखो और बिल्कुल ऐसे ही भाई, ये वी बी कॉस थीटा आई कैप और वी बी साइन थीटा जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन है माइनस वी आर माइनस जे कैप, ठीक है। अच्छा ये बात आपको समझ में आ चुकी है इतने क्वेश्चन करके कि छाता उस डायरेक्शन में रखा जाएगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी रेन की इस ऑब्जर्वर को, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक, मैंने बाइक लिख दिया, कुछ भी मान सकते हो आप, साइकिल पैदल
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वी आर माइनस जे कैप, ये जे कैप है, माइनस वी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो अगर इसे लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा माइनस वी आर इंटू जे कैप। ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे भी है तो ये प्लस, ठीक है, और माइनस जे कैप मल्टीप्लाई में, क्लियर है बच्चों, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये माइनस माइनस वी बी कॉस थीटा आई कैप, क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करते हो, यानी कि एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि यार ये वेलोसिटी तो कुछ ऐसे आ रही है ना, तो इस कंपोनेंट इसका अगर देखो क्वेश्चन में डिपेंड करता है आप हॉरिजॉन्टल से एंगल बताना चाहते हो या वर्टिकल से, तो छाता कुछ ऐसे रखना होगा ना आपको, भाई बारिश ऐसे आ रही है तो छाता ऐसे वैसे रखना होगा, तो ये एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल से पता करना है तो ये एंगल थीटा हुआ, और ये कंपोनेंट पता कर लेते हैं, तो ये कंपोनेंट कितना है बताओ, जे कैप का मल्टीपल होता है ना इधर, तो ये रहा वी आर वी बी साइन थीटा प्लस वी आर, और ये कितना है वी बी कॉस थीटा, तो अगर मुझे एंगल पता करना है तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी बी साइन थीटा प्लस वी आर अपॉन वी बी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ आ जाएगा। वर्टिकल से बताना है 90 माइनस कर दो, या अगर यहाँ से बताना है तो ये फिर ये दिस अपॉन दिस हो जाएगा, अगर वर्टिकल डायरेक्ट करना है पता। और अगर मैं स्पीड पूछूं आपको कि बाइक वाले को रेन कितनी स्पीड से आती हुई दिख रही होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये बारिश भी तिरछा रही हो तो ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको सीखेंगे, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, 37 डिग्री एंगल ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन इसका, कॉस 37 होता है बच्चों, आपको याद रखना चाहिए हमेशा 4/5, और साइन 37 3/5, हम फिजिक्स वाले बहुत यूज़ करते हैं इसको। अब देखो जैसे मान लो ये साइकिलिस्ट है, एक साइकिलिस्ट है वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है, ठीक है, समझ आया बच्चों। तो सोचो उसकी स्पीड दे रखी है हमें वी सी इक्वल टू, हमें दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ रेन जो फ्लो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि फिर वही डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, तो मान लो इस आदमी ने पहले इधर देखो ये एंगल है थीटा, ठीक है, दैट इज 37, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है छाता किस डायरेक्शन में होल्ड करे, ऑब्वियसली जब हम जिधर की तरफ जाते हैं ना तो बारिश में ऐसे तिरछा हाथ पे फील होती है अगर वर्टिकल है, और जितना ज़्यादा तेज स्पीड होती है उतना ज़्यादा उसका कंपोनेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आने की कोशिश करती है, अगर हम स्पीड इनफाइनाइट कर लें तो हमें बारिश बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आती दिखाई देगी। तो अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू माइनस जे कैप है ना, और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट तो देखो यहीं पर कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं, वी सी कॉस 37 और वी सी साइन 37, तो ये हो जाएगा वी सी दैट इज 15 कॉस 37 आई कैप प्लस 15 साइन 37 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट 5 माइनस जे कैप, भाई हम क्या लिखेंगे, वी आर माइनस वी सी लिखेंगे ना, वही साइक्लिस्ट को जो दिखाई देगी बारिश उसी से उसी पर्टिकुलर एंगल पे छाता रखना है और हॉरिजॉन्टल से एंगल बताना है, तो देखो वी आर माइनस वी सी तो 5 माइनस जे कैप माइनस 15 कॉस 37 आई कैप प्लस 15 साइन 37 जे कैप, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो 5 माइनस जे कैप माइनस 15 साइन 37 जे कैप, ठीक है, माइनस 15 कॉस 37 आई कैप, ऐसे लिख लिया वी आर सी, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें से ये घटा तो ये आ जाएगा माइनस 55 प्लस 15 साइन 37 कितना होता है भाई 3/5, 5 से 15
जे कैप माइनस 15 कॉस 37, 4 बाय 5, 5 से 15, 3 चौक 12, माइनस 5, 3 से 9, जे कैप, 4 3 12, आई कैप। ठीक है, ऐसे लिखा, ये हो जाएगा 14 जे कैप माइनस 12 आई कैप। ठीक है, ऐसे बताओ बच्चों, इतना समझ में आया। अब हमें डायरेक्शन बतानी, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रेंज जो है वो ऐसे आ रही है। कैसे पता लगा भाई? आई कैप भी नेगेटिव है इसमें और जे कैप भी नेगेटिव है। ठीक है, और मुझे छाते की डायरेक्शन बतानी है। अब छाता ये ऐसे होल्ड करेगा, देखो इसे मिटा देते हैं, ये ऐसे होल्ड करेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, मान लो जिधर से बारिश आती हुई दिख रही होगी ना इसको, ऐसे उधर ही छाता रखेगा ये ऐसे। ठीक है, तो छाते की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से बतानी है ऐसे। तो देखो, अगर इसको ऐसे आते दिख रही है तो ये एंगल थीटा इधर हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा मान लेते हैं ऐसे, तो ये एंगल बताना है मान लो हॉरिजॉन्टल से, तो कितना होगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड कितना है जो जे कैप में? 14, और ये कितना है? 12, साफ कर लेते हैं, 12, और ये कितना हुआ? 14, तो 10 थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 14 बाय 12, यहाँ करते हैं या इसको मिटा देते हैं, 10 थीटा आ जाएगा 14 बाय 12। ठीक है, यानी कि 7 बाय 6, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 7 बाय 6, इस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पे इसको छाता रखना है। अगर आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग जाए, मान लो 60 डिग्री आया, तो फिर आपसे पूछा जाए प्लेन के लॉन्ग, अपने मोशन के लॉन्ग कितने एंगल पे रहेगा ये, तो थीटा ये है, और देखो ये थीटा है, और ये पूरा एंगल कितना है? 37। मान लो आपको ये 60 पता लग गया, तो ये एंगल आप इसके मोशन से भी एंगल बता सकते हो। क्लियर है? तो बिल्कुल सीधे सीधे, अगर आप आई जे के में जाते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना होता, ज़्यादा ट्रिगो ये सब कुछ नहीं करना होता, बस बशर्ते आपको ये आई जे के आनी चाहिए आपको। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें क्या था, साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा था, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश भी ऐसे हो रही हो, मतलब किसी एंगल पे दे दिया, जैसे अल्फा एंगल पे दे दी बारिश, ठीक है, तो वी आर का इधर कंपोनेंट वी आर कॉस अल्फा, एंगल बता देगा आपको ये वी आर साइन अल्फा। ठीक है, इन ये इसमें माइनस जे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें आई कैप, बिल्कुल इसमें ऐसे सब्ट्रैक्ट जो करना था उसमें ऐसे करके बिल्कुल सेम ऐसे ट्रायंगल से एंगल फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे कोई किधर भी जा रहा हो फर्क नहीं पड़ता, और आपको आई जी के मैंने लगभग सारे केस समझा दिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा है कि सर अगर नीचे आ रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बढ़िया सा क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। ठीक है, एन मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट स्पीड, विद विच मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब उसे नीचे आते वक्त रेन वर्टिकल दिख रही है, तो पक्की बात है इसका मतलब उसके लिए एक्स कंपोनेंट क्या हो गया वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का 0। When he moves up on the same plane with same speed, he finds that rain makes an angle of theta equal to 10 inverse 7 by 8 with the horizontal. Find the speed of rain. ठीक है, तो ये अब हमें रेन की स्पीड बतानी है, तो पहले सिचुएशन देखते हैं कि अगर ये आदमी नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये कैसा आदमी है मान लेते हैं, तो वी एम ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा इज 37, देखो 37 इजी रहता है इसलिए सारे किताब वाले 37 डिग्री रखते हैं। तो देखो ये आपको पता है, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, कि ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा बच्चों पी एम कॉस 37 है ना, माइनस आई कैप और वी एम साइन 37 माइनस जे कैप। ठीक है, और वी वेलोसिटी ऑफ मैन है 5, तो 5 है कॉस 37 4 बाय 5 माइनस आई कैप और माइनस 3 बाय 5 इंटू 5 माइनस जे कैप। चलो 5 यहाँ लिख दिया, ये हो गया 4 माइनस आई कैप और माइनस 3 जे कैप। ठीक है, ये आ गई, आप माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है रेन की वेलोसिटी कैसे होगी सर, तो रेन वर्टिकल से इधर आ रही होगी या इधर आ रही होगी। ठीक है, तो हमें भी कुछ नहीं पता, वैसे हम सोच सकते हैं कि इधर जाना चाहिए वेलोसिटी, वह इधर, अगर इधर नीचे आते हुए आदमी को वेलोसिटी
वर्टिकल दिख रही है तो इसका मतलब जब भी इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होंगे सेम डायरेक्शन में तभी कैंसिल होगी। तो ये वाला वेलोसिटी अगर ऐसे लोगे, इसकी वेलोसिटी इधर है एक्स डायरेक्शन में, तो ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। ये इधर होनी चाहिए और इसकी वेलोसिटी ऐसे, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है भाई। जब दो पैरेलल ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं पैरेलल लाइन पे, तभी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो इधर होनी चाहिए। लेकिन मान लो हमको नहीं समझ में आ रही है बात कि यार इधर हो गया इधर, तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, हमें पता है यार दो कंपोनेंट आएंगे, एक वी एक्स और एक वी वाई, ठीक है। तो वी एक्स तो हमें पता है, वी वाई नहीं पता, तो चलो मैंने गलत ही मान लिया वी एक्स और ये वी वाई इसका, ठीक है, रेन की है ये, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट हुए, अब सोचो वी एक्स से अच्छा है कि मैं उसे एक्स लिख दूँ और इस कंपोनेंट को वाई लिख दूँ। वाई तो हमें पता है डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हमने क्वेश्चन सही किया तो वाई कंपोनेंट जो आएगा, सॉरी एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या कह रहा है वो, वी आर माइनस वी एम। तो देखो इसको इसमें से घटाओ, तो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस हो गया माइनस फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप। तो देखो एक्स माइनस माइनस प्लस फोर आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप ऐसे। तो ये हो जाएगा थ्री माइनस वाई इंटू जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गया। देखो बच्चों सीधा से हिसाब लगाओ, अगर इस आदमी को आते हुए रेन वर्टिकल दिख रही है, तो वर्टिकल दिखने का मतलब है कि उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो कर दो तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस फोर, क्लियर है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पता लग गया माइनस फोर। अब एक वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल के लिए हमें इसमें क्वेश्चन में बताया कि अब मैन जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। तो अगर मैन ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो हमने ये नोट कर लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस फोर आ गया, ठीक है। और इस मैन को सेम स्पीड से जाना है, देखो बच्चों ये मैन सेम स्पीड से जा रहा है ऐसे, और एंगल ये 37 है। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों वी एम, वेक्टर में लिखा जाए तो वी एम कॉस 37 दैट इज 5। तो डायरेक्ट मैं 5 cos 37, अब तो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है, देखो इसका ये कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव जे होगा, ये पॉजिटिव आई होगा, ठीक है। तो प्लस 5 37 जे कैप, तो ये cos 37 है। 5 cos 37 कितना होगा बच्चों, 4/5 फाइन sin 37 3/5 जे कैप, 5 से 5 कट गया 4 से 4, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 4i+3j। वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई। इस बार उसने बोला है कि ही मूव अप द सेम प्लेन द सेम स्पीड द फाइंड द रेन, मतलब उसको लगता है कि हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बन रहा है, तो उसको जो लगता है इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को लगता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, क्या थी हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन हो चुकी है हमारी -4i+-yj। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वाई एक्स था और वाई था, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में थे रेन के, तो अब एक्स नेगेटिव आ गया था, तो -4i+-yj, ठीक है। ओ ओ ओ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, -4i+-yj, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन है, फिर वेलोसिटी ऑफ मैन +3j। देखो अब आई कैप वाले इकट्ठे करते हैं कितना हो जाएगा बच्चे, -8i+ और ये हो जाएगा -y+3j, ठीक है, वी आर एम। इसका मतलब देखो दोनों नेगेटिव है, ये भी x में नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो देखो ऐसे तभी तो हो सकता है, ये -j है ये -i है, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं कि मुझे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ विद द हॉरिजॉन्टल थीटा है ना, तो इसने कहा ये थीटा है,
तो पक्की बात है भाई ये थीटा होगा, लेकिन यहाँ आई कैप वाला कंपोनेंट कौन सा है? 8, और ये कितना है? प्लस 5 प्लस 3, तो ये हो गया वाई प्लस 3, और ये कितना हो गया 8। देखो भाई एक्स कंपोनेंट और ये, तो देखो 10 थीटा इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 8, और 10 थीटा कितना है आपके पास? 7 बाई 8, 8 से कट गया, वाई इक्वल टू 7 माइनस 3, देख लो वाई प्लस 3 इक्वल टू 7 कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब वेलोसिटी हो गई रेन की, वाई भी पता लग गया, 4i कैप माइनस 4 जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4√2 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। डायरेक्शन पूछी जाए एक्स और वाई सेम है तो 45 डिग्री पर, वर्टिकल से 45 डिग्री पर बारिश गिर रही होगी, मतलब ऐसे, मतलब दोनों नेगेटिव हैं तो ऐसे रेन ऐसे आ रही है 45 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है, विंड प्रॉब्लम, और भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो जिसमें विंड फ्लो कर रही है, तो हमेशा पहले ये चेक करो कि रिजल्टेंट पूछा है रिलेटिव पूछा है। रिजल्टेंट में जोड़ देना होता है और रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट करनी होती है वेलोसिटी, और फिर आईजे के कंसेप्ट से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपका कोई डाउट है फिर भी आप इसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।